हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के इस खास सेशन के अंदर फटाफट एक हरे भरे मार्केट का थोड़ा सा जायज़ा लिया जाए कि मार्केट यहां से किस हिसाब से मूव दिखा सकती है। और जिस तरह से हम इंतज़ार कर रहे थे कि भाई BTC 40,000 को पार करेगा, उसके बाद 41,000 को पार करेगा, 41,000 को एक सपोर्ट बनाएगा, 42,500 एक सपोर्ट बनाएगा, ये सारी चीज़ें एक एक करके मुमकिन होती हुई दिख रही है। और राइट नाउ BTC की जो नज़र है वो 43,000 के आसपास है। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं कहाँ तक मैक्सिमम हाई गया था ये भी, तो 42,900 समथिंग ये गया था। ओके, तो एक लमसम बैठा सकते हैं दिमाग में कि जिस हिसाब से अभी मोमेंटम बना हुआ है, अच्छा खासा ये 43,000 से ऊपर जाने के ज़्यादा आसार दिख रहे हैं। इथेरियम ने छोटी सी एक हिंट दे दी है 3,100 को टच करके कि वो भी मजबूती के अंदर है, और ऑल्ट कॉइन्स भी हैं वो अच्छा खासा मूव दिखा सकते हैं। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले आप लोग से यही कहूंगा कि भाई वीडियो पसंद आती तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हैं वो आप लोग से मिस ना हो। उसके साथ ही किसी भी एरे गैरे को अपने क्रिप्टोज वगैरह सेंड मत करना IDO के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे, ठीक है। अपना पैसा, अपने क्रिप्टोज अपने पास ही रखो, सेफ रखो, और कोशिश करिए टेक्निकल एनालिसिस को सीखने की। अगर सीख लेंगे तो आपको यहाँ वहाँ प्रीमियम के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप खुद अपनी एनालिसिस कर पाएंगे, अच्छी खासी ट्रेडिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी आज हम BTC के चार्ट का एनालिसिस करेंगे कि राइट नाउ एज ऑन टाइम माहौल क्या बता रहा है, क्या यहाँ से हम और ऊपर देख सकेंगे या नहीं, कितने ज़्यादा चांसेस हैं BTC की प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे आने के क्या आसार है वो हम लोग थोड़ा सा पता करेंगे, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे, ताकि आज के दिन आप और हम उसके अंदर कुछ ट्रेड कर पाएँ, ठीक है। थोड़ा सा चार्ट के साथ रूबरू करेंगे और उसके बाद से सेकेंड सेशन जो होगा वहाँ पर मैं ऑल्ट कॉइन्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। और पिछली बार भी जो ऑल्ट कॉइन्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जिसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि आप डॉज कॉइन की बात करेंगे वो 7-8% ऊपर है, शिवा की बात करेंगे वो 30% के आसपास है, देन हमने DYDR की बात की थी 10% है, और TWT ट्रस्ट वॉलेट वो भी अच्छा खासा 5% है, VT 8% के आसपास है, EGLD 5-6% के आसपास है, और बाकी जो कॉइन जिसका हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे स्टिल वो ब्रेकआउट हो चुका है और थोड़ा बहुत प्लस के अंदर है। जैसे हम बात करते हैं IOST की बात करते हैं, FTT है, देन TRX है, डॉट है, इनके अंदर स्टिल एंट्री बन सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल जो मार्केट है वो अच्छा खासा चल रहा है। अब मैं सीधा आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ यहाँ पे, और BTC के बारे में बताता हूँ कि क्यों यहाँ पे जो पैटर्न है थोड़े से एक बुलिश नज़र आ रहे हैं, और अगर रीटेस्ट करता है तो कौन सा एक सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। चलता हूँ, ठीक है। और उससे पहले आप लोग से यही कहूँगा कि भाई अगर अभी तक ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो ये पर्सनल ट्विटर अकाउंट है, हैंडल है, इसको फॉलो कर लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिए एग्जैक्टली इसी हिसाब से होनी चाहिए, और उसके साथ ही ओपन फॉर प्रॉफिट का जो ऑफिशियल है उसको भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही मैं कहूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है ओपन फॉर प्रॉफिट, इसमें कह सकते हैं कि 1,23,000 सब्सक्राइबर्स हैं, देख लीजिए सिर्फ टेलीग्राम के ऊपर अपना सिर्फ यही है ओपन फॉर प्रॉफिट, इतना ही स्पेलिंग है, और आपको सिर्फ यही चैनल ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम के ऊपर कोई मैं पर्सनल चैट वगैरह बिल्कुल नहीं करता हूँ। जो भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो चार्ट है BTC का, हम यहाँ पे वन डे का चार्ट पकड़ते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको स्क्वीज़ किया है, ओके, ताकि हम थोड़ा सा एक पुराना हिस्ट्री भी देख सकें किस हिसाब से पैटर्न बने थे, वेज पैटर्न बने थे, और किस हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। प्राइजिंग वेज पैटर्न टूटा, प्राइस नीचे गया, एक्यूमुलेशन जोन, एक्यूमुलेशन जोन, फिर यहाँ से अच्छा खासा एक वाइटनिंग चैनल बना, ब्रेकआउट हुआ, प्राइस नीचे आया, और राइट नाउ अगेन ये फॉलिंग वेज पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो बढ़िया अच्छा खासा चल रहा है। अब इन शॉर्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिवली प्राइस जा रहा है, और अगर ये इसी तरह से बरकरार रहा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 48,000 से 50,000 के आसपास हो सकता है, और अगेन ये भी जो लेवल है ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। BTC में जो चीज़ मैंने नोटिस की है कि हर 10,000 पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह ब्रेक कर रहा है, ओके, मतलब कि जब हम 67,000 भी नहीं पहुँचे थे, 69,000 भी नहीं पहुँचे थे, और BTC बहुत जद्दोजहद कर रहा था 38,000 को, 39,000 को तोड़ने की, द मोमेंट
इट ब्रेक्ड दिस लेवल ऑफ अराउंड 40,000। ये नॉन स्टॉप अच्छा खासा गया, 50 के आसपास उसको एक रेजिस्टेंस मिला, 50 ब्रेक किया तो सीधा 60 के आसपास उसको एक रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, तो राइट नाउ हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसके अंदर, हमें अभी 65 68 नहीं देखने की ज़रूरत है। हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक 43 को अगर ब्रेक करता है तो 43 से 44 का जो सफ़र होगा मेरे ख्याल से वो बहुत फास्ट हो सकता है। तो अगेन ये अपने एक ऊपर के मेजर रेजिस्टेंस जोन जो है 48 से 50 के आसपास हो सकता है। ठीक है, चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है। अब मैं आपको एक और अच्छा सा यहाँ पे कंपैरिजन बताता हूँ कि यहाँ से क्यों अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आ सकता है। उसके लिए मैं आपको लेकर चलूँगा अक्टूबर महीना 2021 का। ठीक है, ये देखिए, ये अच्छा खासा एक राइजिंग चैनल था और उसके बाद से एक बढ़िया ब्रेकआउट लेने से पहले प्राइस जो था ये एक मिड जोन में घूम रहा था। ठीक है, और ये जो एक लाइन है ब्लू वाली, इसको ये अच्छा खासा एक सपोर्ट भी दे रहा था, रेजिस्टेंस भी दे रहा था, और लास्टली इसने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ा। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे तोड़ा तो प्राइस अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया और अगेन बैक इन द चैनल आया। ओके, तो ये जो ब्रेकआउट हमने देखा था ये अक्टूबर मंथ के आसपास हमने देखा था और अच्छी खासी प्राइस ऊपर गई थी। अब ये समझाने का और बताने का मकसद यही है क्योंकि राइट नाउ सेम तरह के जो पैटर्न्स हैं वो अभी हमको चार्ट के अंदर देख रहे हैं, जिसके अंदर एक ब्रेकआउट हुआ है और वो भी हम इस हिसाब से एक अच्छा खासा ऊपर देख सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, पहले ये देख लो, ये मिड लाइन है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, उसी तरह सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इस हिसाब से चल रहा है और फाइनली इसने यहाँ से इसको ब्रेक किया है, बाउंस लेके ब्रेक किया है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपना एक सपोर्ट था पहले जो रेजिस्टेंस था, ये भी इसने ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ चले गया। तो मेरे हिसाब से इफ़ प्राइस गोज अबव 43,537 हमारा नेक्स्ट पड़ाव जो होगा, ठीक है, वो होगा 47-48,000 के आसपास होगा, जो मैंने वन डे चार्ट के अंदर आप लोग को बताया। अब यहाँ से अगर सपोज करो बाउंस अगर रिवर्स भी आता है, ठीक है, तो इसको जो एक मैं कह सकता हूँ कि सपोज कीजिए 43,500 के आसपास ये जाता है और वहाँ से कुछ लोग इसको थोड़ा सा सेल ऑफ करते हैं ये सोच के कि ये शायद वापस नीचे जा सकता है, तो इसको जो एक सपोर्ट मिलेगा वो आपको इस रेंज के आसपास मिल सकता है। ये है 39,500 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मिल सकता है, उसके बाद से 39,000 इस रेंज के आसपास सपोर्ट मिल सकता है और फिर यहाँ से ये बाउंस बैक ले सकता है। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपके लिए मैं कहूँगा 41,000 जो है वो आप एक अपना SL बना के चलना। ठीक है, तो राइट नाउ सबकी नज़र यहाँ पे ही है, 43,537 इसको ब्रेक करेगा तो हमारे लिए जो नेक्स्ट रेंज होगी डेट विल भी 47,000 से लेके 50,000 की रेंज होगी। ठीक है, तो अगेन यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, 44,000 से ऊपर रहते हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा खासा पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था क्विक अपडेट ऑन BTC चार्ट, समय क्या बता रहे हैं और किस हिसाब से हमको हमारी पोजिशन खड़ी करनी है। तो चीज़ें यहाँ पे अच्छी खासी पॉजिटिव लग रही हैं और उसके साथ अगर हम थोड़ा सा ग्लोबली भी एक फंडामेंटल बात करते हैं तो जो रेट इंटरेस्ट रेट हाइक की बात चल रही थी US के अंदर तो वो भी थोड़ी सी टली है। ऑफकोर्स मार्च के अंदर कहा गया है कि ये हाइक आएगा, लेकिन अभी जो न्यूज़ मिल रही है वो यही है कि जो हाइक भी आएगा वो बहुत नॉमिनल सा होगा, इसका मार्केट पे कुछ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है। ओके, और इसलिए अभी आप देख रहे हैं कि जो भी स्टॉक मार्केट वगैरह है सब अच्छा खासा एक ऊपर की तरफ वापस से रैली पकड़े हुए हैं। ओके, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद से एक और जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि यूक्रेन रशिया ये सब का जो वॉर का था वो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नहीं होगा, तो ये भी एक चीज़ टल गई है। इकोनॉमी जो है वो भी वापस से थोड़ा सा सही लग रहा है और बाद में हम एक और जो बात करते हैं कि बीच में वापस से उठा था कि ओमिक्रॉन उठा था ये उठा था, अभी ये सब बातों में बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही है और अभी यही सब न्यूज़ में आ रहा है कि हाँ दिस इज़ द एंड ऑफ पेंडेमिक, ये वो सब आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी एक अब पॉजिटिव चीज़ें वापस से मार्केट के अंदर चल रही हैं, मार्केट को पूरा गिरा दिया, सब ने अपनी अपनी एंट्री बढ़िया सी ले ली, अब वापस से कि हाँ यहाँ पे कुछ वॉर नहीं होने वाला है, रशिया ने जो बैन किया था वो हटा दिया, नाउ दे आर इन सपोर्ट ऑफ क्रिप्टो एंड ऑल। तो आप खुद थोड़ा समझो, ठीक है, ये बहुत कह सकते हैं हर सेक्टर के अंदर पॉलिटिकली बहुत बढ़िया तरीके से ये खेला जाता है, यहाँ पे आम आदमी पिस जाता है। ओके, सो थोड़ा सा वी हैव टू बी केयरफुल और यहाँ से चीज़ें वैसे पॉजिटिव दिख रही हैं। अगेन ट्रेड कर रहे हो तो SL वगैरह पकड़ के चलना। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही है, एनालिसिस पसंद आ रही है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना और चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह क्या किया।
सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जो भी बड़ी नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। और इसके बाद वापस से कुछ इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स हैं वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा। कोशिश करना एंट्री लेने की और ज़बरदस्ती कोशिश मत करना एंट्री लेने के लिए, जो फंड्स हैं उसी हिसाब से आप ट्रेड करो। और अगेन मैं कहूँगा कि फॉरेक्स के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं देन गो फॉर ऑक्टा एफएक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। और ऑक्टा एफएक्स के अंदर आज से मैं जो मैंने आप लोग को एक गूगल स्प्रेडशीट दी थी कि 30 ट्रेड्स के अंदर हम $20 को लगभग 50,000 बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं बन जाएगा, कोशिश कर सकते हैं। तो $20 का अगर मैं 50 नहीं बना पाता हूँ, 10,000 15,000 भी बना पाता हूँ एज पर जो स्ट्रैटेजी है जो पिप्स का था, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आज भी मैं वो बनाऊंगा और उसके जो भी आउटकम्स आते हैं, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपको डे बाय डे शेयर करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर माइंड अप करते हैं, जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।